बारवाटी स्टेडियम रो नव कलेबर को ना कहिसेंती नुआ सरकार नवीन सरकार ऐतिहासिक बारवाटी स्टेडियम रो नवीकरण करबा सह एहाकु विश्वस्तरीय रूप देबाकु 700 कोटी टंकार व्यवराद करथिले। तत्कालीन सरकार को द्वारा भित्तिप्रस्तर स्थापन मध्य करा जायथिबा बेले नूतन मोहन सरकार एही प्रकल्प को ना कहिसेंती कहि दुख प्रकाश करिसेंती कटक मेयर सुभाष सिंह। आज मो पई कटक वासिंग पई राज्य क्रीड़ाविद आ खेल प्रेमी एक दुखद संवाद परेषण आप बहु स्वप्न देखी आम कटक दीर्घ 40-45 वर्ष धरी संघर्ष करता नहीं मृत्यु पाखु आई बहु संघर्ष मैं कटक पुणा राजधानी गौरव पाइब कटक नुआ रूपरेखे जितिय मानचित्र को जीव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जन्ममाटी एवं जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रूपांतरण कटक सर्वाधिक गुरुत्व पाई 2022 पौर निर्वाचन पर कटक को आउ एक रूपरेख देवाई बहु योजना कार्यकारी हो गला से नवनिर्वाचित क्रिकेट आसोसीएसन निर्वाचित होता आम सांग सांगे नहीं जाए आम अनुरोध करूँ माननीय मुख्यमंत्री और 5 अध्यक्ष को बारवाटी स्टेडियम को नुआ रूपरेखे इंटरनेशनल स्टेडियम कमी परिणत हो खेलाड़ी मैंने भुवनेश्वर जावासा करें यहीटा हम 5-star होटेल एवं तार एपरी एक सौंदर्यीकरण हम गोटा देश देख दुनिया देख वर्ल्ड समस्त खेलप्रेमी देखिए बारवाटी स्टेडियम कौन कैबिनेट अनुमोदन कराला 5 जरिया 2 वर्ष कम्प्लीट होगा 3 वर्ष कम्प्लीट होगा 3 इयर्स भितर कम्प्लीट होगा योजना है और 700 कोटी टाँग व्ययबराद है कम आरंभ हवा को कल दुखद संवाद आमको बहुत आघात विशेष करी आमे जो मैंने उद्यम करूँ जो एंटायर क्रिकेट एसोसिएशन टीम जाते जनरल सेक्रेटरी संजय बेहरा थे वाइस प्रेसिडेंट थे सब निर्वाचन प्रतिनिधि मो सागर जाते सीएम ऑफिस 5 अध्यक्ष आरंभ कर माननीय मुख्यमंत्री समस्त पाखे ये जो प्रक्रिया नहीं कटक गोटे नुआ रूपरेख पुणा राजधानी खेलर राजधानी आज नुआ रूपरेख जावाक जो चेष्टा चलता हटात खाली माननीय मंत्री विधानसभा कहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे कौन से योजना आम व्ययबरा योजना ना एत आघात आमको मत यदि जीवन जदि कह सब दुर्भाग्य जो स्वप्न थी कटक नुआ रूपरेखे जातीय मानचित्र को नापाई गोटे बड़ आघात कल आमको दे। मेयर आहुरी मध्ये कहिसेंती एहाकु बातिल करा न जाउ एहार पुनर्विचार करा जाउ क्रीडा राजधानी भावरे परिचित कटक शहर को संपूर्ण उपेक्षा करा जायछि। नुआ बारवाटी क्रिकेट ग्राउंड प्रकल्प पई बजेटरे कोनोसी व्यवस्था करा जाय नहीं क्रीडा प्रेमी को एहा कठोर आघात दैछि। बारवाटी स्टेडियम रो नव कलेबर स्वप्न माटी रे मिसि जिवार आशंका सृष्टि होईछि। कटक को काही की क्रीडा क्षेत्र रे उपेक्षा करा गला बोली साधारण रे प्रश्न उठुछि बोली कहिछंती कटक मेयर सुभाष सिंह। ओडिशावासी ओडिशा रा खेला प्रेमी कटकवासी क्षमा काहा को देबेन गणतंत्र व्यवस्था रे सरकार आसीबो जीवो मुको व्यक्तिगत समालोचना करने को चाहे ना किंतु कटकर गौरव जातीय मानचित्र को आने पुणा राजधानी गौरव आ राज्य खेल खेल प्रेमी मान जो मन भितर आत्मविश्वास या कटक भी आउ एक रूपरेखे खेल राजधानी रूपरेख जमी आरंभ होता 50 दशक आ नुआ रूपरेख जीव कहीं भैरव महांती से समस्ते विजु बाबू कहतु हरकृष्ण महताब कहतु समस्त सहयोगतार हाथ बढ़ी थे स्टाडियम जन्म था आज जो भाव नुआ रूपरेख जाऊला हटात ए बार्ता आम समस्त की बहुत आघात दे राज्य सरकार नूतन बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार तुरंत ए निष्पत्ति की परिवर्तन करू जो भाव फाउंडेशन स्टोन पड़ा फेब्रुआरी मसरे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जरिया गोटा विश्व बासी जानते एक भी रंगारंग उत्सव होता जे बारवाटी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम रूपरेख जाऊँ कौन सी प्रकार प्रतिबंधक न आणतु बातिल न करतु कालीर बार्ता को परिवर्तन करतु तुरंत कार्यकारी करतु ना ओडिशावासी खेल प्रेमी कटकवासी केबे केबा देबेन गणतंत्र व्यवस्था किए सरकार आसीबो जीवो ये गोटे हूँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आर संपर्क किसी ना कि ये योजनाटा कार्यकारी हवा सरकार मो सांबादिक सम्मेलन जरिया आप मानको निवेदन करी एटा राज्य सरकार उपरे परिवर्तन पाई निष्पत्ति पुनर्विचार करिया पाई
गोटे चाप तैयारी हो सारा राज्य में कटकवासी पक्षर बारबाटी स्टाडियम गौरव खाली नुह जातीय मानचित्र स्वाधीनता संग्राम देखिए बारबाटी दुर्ग बारबाटी स्टाडियम ओडिशार परिचय जातीय मानचित्र मेयर कहते बारबाटी स्टाडियम नवीकरण योजना कर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बारबाटी स्टाडियम भित्तिप्रस्तर स्थापन करते व्यय बराद करतमान सरकार कहते व्यय बराद नहीं कौन प्रस्ताव नहीं।